नमस्कार, आज हम लोग समझेंगे ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या है, कैसे हमारे पृथ्वी को ये फायदा पहुंचाती है। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो क्या पृथ्वी पे जीना संभव है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, फिगर से समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे ओजोन परत बनता है, कैसे नुकसान होता है, ये किन किन गैसों से मिलकर पूरा बनता है, फिगर से हम लोग समझते हैं। देखिए, यह है सूर्य, हमने फिगर बना रखा है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा फिगर से। और ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री है, कारें हैं, चिमनी है, बाकी फॉरेस्ट है, सब इसी पे आता है। अब ये है पृथ्वी। अच्छा, पिछले वीडियो हमने बताया था पृथ्वी के जो सबसे निचली परत कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्षोभ मंडल बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निचला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के ही ऊपर आता है हमारा ओजोन परत। ये ओजोन परत जो है, ये कोई पट्टी टाइप का होता है, जैसे ये अणु से ही मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलकर के बने होते हैं। कैसे कैसे बनते हैं समझते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी पे जो सबसे ऊपरी भाग आता है, सबसे निचली परत आता है जो क्षोभ मंडल, इसी में सारे क्रियाएं होती है जो नेचर की होती है, प्रकृति की होती है। पहाड़, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ, गर्जना, तड़कना, सब क्षोभ मंडल में ही होता है। और उसी के ऊपर आ जाता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में ही आता है हमारा ओजोन परत, 90% लगभग ये आता है हमारे समताप मंडल में ही ओजोन परत। अब ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की ये सुरक्षा कवच है, या पृथ्वी का ये छाता कह सकते हैं, क्योंकि जो सन से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, अगर ओजोन परत ना रहे तो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगी। अगर पृथ्वी पे आएगी तो जो सूर्य की किरणें होती है वो हाई टेम्परेचर में होती है, तो जीना संभव तो है नहीं। तो ओजोन लेयर ही हमारी सुरक्षा करती है। अब ये कैसे सुरक्षा करती है, पहले हम लोग ग्लोब में समझते हैं, आप लोग ध्यान समझते रहिए। देखिए, ये मान लेते हैं ग्लोब है, अब यही पूरा पृथ्वी है, हमने यहाँ पे भी बना रखा है पृथ्वी ऐसी। अब ये पृथ्वी के कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर, अब कितने किलोमीटर रहता है, क्षोभ मंडल तो निचली पर आता है, यानी जो पृथ्वी है, देखिए चारों तरफ से आप देखेंगे, चारों तरफ से ये रहता है, तो पृथ्वी के एवरेज में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो रहता है क्षोभ मंडल। यानी पृथ्वी के एवरेज में देखेंगे तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है क्षोभ मंडल। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, क्षोभ मंडल का जो अगर पोल से देखेंगे तो 8 किलोमीटर, अगर भूमध्य रेखा से देखेंगे या इक्वेटर से, तो वहां से 18 किलोमीटर की ये ऊंचाई होता है क्षोभ मंडल। आई एवरेज में इसको देखेंगे तो ये 12 किलोमीटर का आता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 12 किलोमीटर के आता है आपका क्षोभ मंडल, और वहां से लेकर के आता है आपका ओजोन परत। ओजोन परत की जो ऊंचाई देखेंगे आप, तो इक्वेटर से 18 से 22 किलोमीटर की ओजोन परत माना गया है, ऐसे मतलब साइंटिस्टों ने माना है 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत। अब ये जो पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य की जो रोशनी आती है, अगर डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पे है तो जीना संभव नहीं है। जीव जंतु, पेड़ पौधे जितना रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो सूर्य की किरणें आती हैं ओजोन परत, 90 से 98% जो किरणें होती हैं या तो ऑब्जर्व कर लेती हैं या तो परावर्तित कर देती हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ओजोन परत, जैसे मान लेते हैं ये ओजोन परत है, तो यहां से आएंगी, ये वापस चले जाएंगी। यहाँ पे हम समझाते हैं अच्छे से, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। जैसे देखिए, ये हमने बना रखा है, ये अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही है यहाँ पे, जैसे ओजोन परत पे आ रही है और ये फिर तुरंत परावर्तित हो जाती है, तुरंत ये परावर्तित होकर के चली जाती है, और कुछ परसेंट में, कुछ ही परसेंट में ये ऑब्जर्व कर लेती है, यानी सोख लेती है। ऑब्जर्व मतलब सोख लेना, तो यानी किरणें आ रही हैं और ये परावर्तित हो जा रही हैं, किरणें आ रही हैं परावर्तित हो जा रही हैं, 90 से 98% तो ये परावर्तित हो जाते हैं, 1% लगभग ये ऑब्जर्व कर लेती हैं, और बहुत ही कम मात्रा में लगभग 1% ही ये डायरेक्ट जो पृथ्वी पे आती है, यहां से जो कुछ तो परावर्तित हो जाते हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ किरणें एक पृथ्वी पे आती है। अब देखेंगे ही, मतलब 1% जो रेज होता है सन का, वो पृथ्वी पे आता तो कितना हाई टेम्परेचर रहता है, गर्मी देखे होंगे लगभग 45-47 टेम्परेचर चला जाता है, कितना हाई टेम्परेचर चला जाता है। पूरी गर्मी में देखेंगे तो आपके रेटिना दिक्कत होता है, आंख में दिक्कत होती है, उसके बाद से
फेफड़े में समस्या होता है, कई ऐसे तमाम बीमारियां होने लगती है, स्किन ब्लैक होने लगता है, तो 1% पे होने लगता है। अगर मान ले तो ओजोन लेयर ना रहे तो आप समझ सकते हैं क्या इसमें जीना संभव है? बिल्कुल नहीं, करते कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो किरणें आ रही है इसमें आता है मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे क्या होता है इसको ध्यान समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ओ होता है, एक ऑक्सीजन का एक नवजात ऑक्सीजन कह सकते हैं ओ को, एक अणु होता है। उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे ओजोन परत आएगा तो हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहने की वजह से ओजोन परत टूटता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रहने से ओजोन परत टूटता है। तो ये वो मान लेते हैं, और दूसरा जब वो इसमें मिलेगा, जब दूसरा जब दूसरा वो मिलता है तो ये मिलकर बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें आ रही हो दोनों परत पे, तो मॉलिक्यूल्स दो अलग अलग रहते हैं वो, इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ये दोनों मिलकर के बनता है ऑक्सीजन। और उसके बाद से फिर यही प्रक्रिया क्या होता है, फिर यही प्रक्रिया देखेंगे, ऑक्सीजन फिर वो जब मिलता है तो इससे बनता है O3, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन। एक बार फिर आप लोग समझेंगे, सूर्य की किरणें आ रही हैं ओजोन परत पे, यहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर आता है, तो ओ जो होता है ये नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, तो ये दो क्रिया आपस में करती हैं तो एक ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन में फिर ये जब क्रिया अणु करता है तो O3 बनता है, O3 को ही हम लोग ओजोन बोलते हैं। यानी दिन में ओजोन परत जो होता है ये टूट करके बिखर जाता है, और जैसे रात आएगा टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक फिर ओजोन परत बन जाता है, क्योंकि आपस में जब मिलेंगे तो ओजोन ये परत O3 बन जाएगा। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें आ रही है ओजोन परत पे, इससे नुकसान तो नहीं है, इससे नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना बढ़ रहा है उतना टूट जा रहा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अब कुछ किरणें आ रही है पृथ्वी पे, तो कुछ किरणें आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधे और हमारे हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी है कुछ किरणें। लेकिन समस्या क्या है ओजोन परत के, ये नीचे समस्या है हमारी पृथ्वी पे, मानव निर्मित जितनी फैक्ट्रियां, गाड़ी हुआ, चिमनी हुआ, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन, जो आग लगाई जाती है, ये सब समस्या है। अब यहां से क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है, ये मान लेते हैं जंगल में आग लगी हुई है, चिमनी है, गाड़ी से निकलने वाली जो खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फैक्ट्रिया से जो धुआं निकल रही है, ये जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो कुछ पहले इसके फैक्ट पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे कई पॉइंट समझाते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे, हमने लिख रखा है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ओजोन परत जो है ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा कवच या पृथ्वी का छाता भी कह सकते हैं, पृथ्वी का छाता भी कह सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद से 90% ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, 90% ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, और 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से 18 से 22 किलोमीटर की है ओजोन परत की। अगला पॉइंट देखेंगे, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अवशोषित प्लस परावर्तित कर देती हैं, यहां से रेज निकल रही है ये परावर्तित कर देती हैं और कुछ ऑब्जर्व कर लेती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है, जो ओजोन परत है उसको जो माप इसका यूनिट है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया, फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों का आता है ओजोन छिद्र क्या है और कौन कौन सी गैस इसकी जिम्मेदार है। ओजोन छिद्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए अब जो भी यहां से चाहे फैक्ट्रिया हुआ, गाड़ी हुआ, चिमनी हुआ, बाकी AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, रबड़ उद्योग जो भी आता है, तो यहां से निकलता है CFC गैस। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C से हो जाएगा आपका क्लोरीन, अब से हो जाएगा आपका
फ्लोरीन, और सी से हो जाएगा आपका कार्बन, यानी सी अब सी का फुल फॉर्म होता है क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, इसको डायरेक्ट बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ओजोन परत को ज्यादा नुकसान यही क्लोरो फ्लोरो कार्बन ही करता है, क्योंकि यहां से क्लोरीन देखिए एक खतरनाक जहरीला गैस होता है, ये निकलता है गाड़ियों से, निकलता है एसी से होता है, जो इसकी रेंज निकलती बहुत ही डेंजरस होती है, रेफ्रिजरेटर होता है इसको फ्रिज बोलते हैं। उसके बाद से कई ऐसे होते हैं जैसे कार का हुआ धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, पेंटिंग हुआ, फॉर्म बनाने में हुआ, रबड़ उद्योग में हुआ, ये सब निकलती हैं गैसें क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसी को बोलते हैं। उसके बाद से ये जब निकलती हैं तो ये क्रॉस होकर के ओजोन परत में चली जाती हैं। तो ओजोन परत में जाती हैं तो ये काफी ज्यादा नुकसान हो रही है। अब सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, जितना टूट रहा था उतना तो बन जा रहा था, लेकिन ये क्या है क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है ये जा तो रही है, ये तोड़ तो रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, यानी ये आते हैं तो कहीं कहीं काफी होश दिखाई देते हैं। ये ज्यादा फर्क कहाँ पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो वहां ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए वहां पे फर्क ज्यादा पड़ता है, क्योंकि डेवलप कंट्री है, लगभग हर घर में वहां पे एसी रेफ्रिजरेटर ये सब लगा रहता है, गाड़ियां ज्यादा है, डेवलप कंट्री है वो सब पहले से लगा रखे हैं, तो वहां से ये सब ज्यादा क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकलता है। तो उन्हीं के एरिया में ये होल्स जो होते हैं ओजोन परत में ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, जैसे मान लेते गैसेस निकली यहां से, अगर ओजोन लेयर होल्स हो गए इतना, अब यहाँ पे ओजोन लेयर रहे ही ना, तो डायरेक्ट जो पृथ्वी से सन से आएंगे रेत तो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएंगी, तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पे आने वाली है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन छिद्र क्या है, तो ओजोन छिद्र जो है सबसे जो अधिक इसके जिम्मेदार गैसेज हैं वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन ही है, क्लोरीन, उसके बाद से फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और ये एसी से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, कार से निकलता है, फार्म उद्योग होता है, पेंटिंग होता है, फैक्ट्री से, और ये स्प्रे से, रबड़ उद्योग से, ये सब यहां से निकलते हैं। तो इसमें कहा गया, अगला पॉइंट आता है इसमें कि ओजोन परत को बचाने के लिए इसमें क्या क्या किया गया। अब ये तो जब गैसें क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकल रहा है, अब इसको कंट्रोल करेंगे तभी तो ओजोन लेयर बचेगा, नहीं तो नुकसान तो होता ही रहेगा, होश जगह जगह हो जाएंगे, तो सन की जो किरणें होती हैं डायरेक्ट आएंगी तो पृथ्वी पे जीना संभव नहीं होगा। अच्छा देखेंगे, एक क्वेश्चन और मेरा छूट गया, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं ये तीन टाइप की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। अब इसमें से जो सबसे खतरनाक होता है वो सी होता है। तो जो ओजोन परत है इसके एक ऊपर एक इसके ऊपर आता है लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं समतापमंडल, समतापमंडल। तो जो अल्ट्रावायलेट सी यानी सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, जो तीसरे नंबर की सी आ रहे हैं, तो यहां से आ रही हैं अल्ट्रावायलेट किरणें और समताप मंडल से ये फिर वापस चली जाती हैं। ध्यान रखेंगे जो अल्ट्रावायलेट सी आ रही हैं उस समताप मंडल से ही वापस चली जाती हैं, और अल्ट्रावायलेट बी किरणें जो आती हैं ये भी आता है ओजोन लेयर से ही वापस चला जाता है, यहां से आएगा अल्ट्रावायलेट किरणें बी और फिर ये ओजोन लेयर से चला जाता है। अल्ट्रावायलेट ए जो आता है ये डायरेक्ट ए पृथ्वी पे चला आता है, ये पृथ्वी जब आता है अल्ट्रावायलेट ए तो ये हमारे लिए कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान है। फायदा तो हमारे लिए इसलिए है कि जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जलीय जंतु जो हैं ये जीवित हैं, और नुकसान क्या होता है कि हमारे रेटिना कुछ दिक्कत होती है, कुछ आंख के लिए समस्या होती है, उसके बाद से कुछ हमारी स्किन के लिए समस्या होती है, तो नुकसान और फायदा दोनों है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट सी है ये बहुत ही खतरनाक होता है, अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पाएगा तो जलीय जीव ये जीना जी नहीं पाएंगे, मृत हो जाएंगे इनकी, उसके बाद से स्किन कैंसर होता है, ये सब समस्या होती है। तो अल्ट्रावायलेट सी जो होता है ये वो समताप मंडल से वापिस चली जाती है, ओजोन लेयर से चला जाता है भी, अल्ट्रावायलेट ए जो होता है वो पृथ्वी पे चला जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आगे हम लोग समझते हैं ओजोन परत को बचाने का क्या क्या उपाय किया गया अभी तक। अब देखिए ओजोन परत को बचाने के लिए सबसे पहले 1985 में ये इंटरनेशनल एक बैठक हुई, 1985 में
इसमें ये कहा गया, सारे देश इसमें भाग लिए, इसमें कहा गया ओजोन क्षरण यानी जो नुकसान हो रहा है, ओजोन क्षरण जो नुकसान हो रहा है इसको नियंत्रित करना है यानी कम करना है। 1985 में ये इसमें बैठक हुआ था और 1988 में इसको लागू कर दिया गया था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वियना सम्मेलन 1985 में बैठक हुआ था और 1988 में इसको लागू कर दिया गया था। ये बहुत ही बारीकी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद से अगला जब बैठक हुआ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, एक कनाडा में है अगला बैठक। अच्छा, जो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था ये इसमें कहा तो गया ओजोन क्षरण को नियंत्रित करना है, लेकिन पूरी तरह से ये हो नहीं पाया, कुछ कमियां इसमें रह गई। इसीलिए अगला बैठक जो हुआ वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। इसमें कहा गया जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं पर गैस है यानी क्षरण करने वाले पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगाना है। ओजोन लेयर जो है उसको जो गैस नुकसान कर रही है वो गैस को पूरी तरह से बंद कर देना है। ये पूरी दुनिया ने इसमें हिस्सा लिया और सबने इसमें कहा कि भैया हम अपने अपने देश में एक जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है यानी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, इसको हम लोग अपने 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 देश में बंद करेंगे। और 1987 बैठक हुआ था, 1989 में लागू हो गया था पूरी तरह से। इसमें हर देश कहा गया कि अपने अपने देश में लगाएंगे, बंद करेंगे ये जो गैसेज होती हैं। भारत जो है इसमें 2000 में पूरी तरह से इसको रोक लगा दिया था सीएफसी से अलग अलग गैसेज को जो भी हानिकारक होती हैं। पहली बार ही 16 सितंबर 1995 ये पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया। 16 सितंबर 1995 को क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ओजोन दिवस पहली बार मनाया गया। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ही। फिगर पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं लगभग हर वीडियो में फिगर से ही समझाता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।